standard 10 English medium science. Okay, chapter 7 control and coordination. Okay, तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हमारी जो बॉडी है उसकी मूवमेंट किसके कारण होती है और मूवमेंट होके क्या क्या होता है और उसके हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो देखो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है आपके पैराग्राफ है उसमें से जो जो समझाया है, ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है तो उसमें जो जो समझाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये ऐसा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पोजिशन होती है उन पोजिशन में चेंज होना उनको ही हम बोलते हैं मूवमेंट। क्या मूवमेंट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या बॉडी की जो पोजीशन होती है उसमें चेंज होना उसको ही हम बोलते हैं मूवमेंट। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि व्हाट इज द मूवमेंट और मूवमेंट के एग्जांपल्स बताओ। तो पहले तो मूवमेंट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चेंजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं मूवमेंट। ओके, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या मीन्स किस किस एम के कारण, कौन कौन से एम के कारण इसमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। लाइक मूवमेंट के कारण, मूवमेंट के कौन कौन से एग्जांपल्स है, तो पहले तो प्ले मीन्स कोई भी चीज खेलना। ओके, फिर हम जो खाना खाते हैं तो खाना तो दांत से जो खाना खाते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं वो भी। फिर अलग अलग ऐसे एग्जांपल्स भी है जो मूवमेंट करने में काम आते हैं। और दूसरा क्या है कि लाइक स्मॉल जो प्लांट होता है वो पहले छोटा होता है फिर उसके बाद में उसको मीन्स पानी मिलता है और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के बाद वो बड़ी हो जाती है, मीन्स प्लांट बड़ा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी एक टाइप से मूवमेंट ही है। फिर मूवमेंट के अलग अलग एग्जांपल्स क्या है कि लाइक अमीबा, फिर अलग अलग लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, वो क्या है यूनिसेल्यूलर। तो अमीबा पैरामीशियम क्या करते हैं कि वो अपने रॉन्ग लेग्स को क्या, अमीबा में क्या होता है कि जब भी उनको फूड का कोई पार्ट दिखता है ना तो वो अपने रॉन्ग लेग को फैलाते हैं और रॉन्ग लेग को फैला के वो जो फूड का जो पार्टिकल होता है ना वो अपने आप में अंदर ले आते हैं। तो ऐसे ही अमीबा अपने आप मीन्स अमीबा जो है वो ऐसे ही फूड डाइजेस्ट करता है, मीन्स फूड लेता है, तो वो भी एक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। फिर कई लाइक हमारी जो आइस होती है तो हमारी आइस में लाइक सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो हमारी आई ऐसे क्लोज हो जाती है। अगर कोई चीज ऐसी होती है जो हमको देखती नहीं तो आंख बड़ी करके भी देखती है तो वो भी हमारी जो आंख की जो मूवमेंट है वो भी एक एग्जांपल हो गया मूवमेंट का। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में आपको यही दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन कौन सा बनेगा आपका, ये तीन में क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द मूवमेंट और किस किस एग्जांपल्स में मूवमेंट देखने को आपको मिलेंगी। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या दिया है। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एनिमल्स और एनिमल्स में नर्वस सिस्टम। ओके, तो नर्वस सिस्टम मीन्स नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले आपको रिसेप्टर पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, रिसेप्टर। तो पहले देखो रिसेप्टर मीन्स कौन कौन से रिसेप्टर है और उसके एग्जांपल्स और उसकी प्लेस और उसका वर्क आपको दिखाना है, मीन्स कौन कौन से ऐसे रिसेप्टर्स है। ओके, तो पहले नर्वस सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। इन एनिमल्स सच अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड इन बाय नर्वस एंड मुस्कुलर टिश्यूज विच वी स्टडी, मीन्स हमने पहले पढ़ लिया था, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट एंड अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, मीन्स कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को आप देखते हो तो अर्जेंट और डेंजरस मीन्स गर्म लगता है ना आपको, तो वी नीड टू डिटेक्ट, तो हमको क्या है कि उनको डिटेक्ट करना पड़ेगा एंड रिस्पॉन्स टू इट, मीन्स उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, मीन्स हमको कैसे पता चलेगा कि हम हॉट ऑब्जेक्ट से टच कर रहे हैं, तो ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अवर एनवायरमेंट इज अ डिटेक्ट बाय स्पेशलाइजेशन टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। तो ये लाइक कोई तो सिग्नल होगा ना जो हमको सिग्नल देगा कि अब यहां से हाथ उठा लो आप, तो ये काम कौन करता है, नर्व सेल। ये काम कौन करता है, नर्व सेल। दिस रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन, कहां पे होता है, अवर सेंस ऑर्गन सच एज इनर ईयर, नोज, टंग एंड ऑल्सो सो ऑन। So gastric रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट, टेस्ट कौन डिटेक्ट करता है, गैस्टेटरी। फिर वाइल ऑल्फा फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्मेल कौन डिटेक्ट करता है, तो ऑल्फैक्टरी एंड और ये गैस और ये कौन सा रिसेप्टर है, ये कौन सा है, गैस्टेटरी और ये कौन सा है, ऑल्फैक्टरी।
ये है गैस्टेटरी और ये है ऑल्फैक्टरी। तो गैस्टेटरी क्या करता है, टेस्ट डिटेक्ट करता है, और ऑल्फैक्टरी क्या करता है, स्मेल डिटेक्ट करता है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ नर्व सेल, ये किससे पता चलेगा, नर्व सेल सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट इलेक्ट्रिक इंपल्स। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, और ये इंपल्स क्या होता है, ट्रैवल होता है कहां पे, डेंड्राइट ऑफ सेल बॉडी, एंड देन कहां पे, अलोंग द एक्सन इट्स एंड एट द एंड ऑफ द एक्सन द इलेक्ट्रिक इंपल्स सेट ऑफ एंड रिलीज सम केमिकल। तो केमिकल वो रिलीज करता है, दिस केमिकल क्रॉस द गैप और साइनेप्स और स्टार्ट सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, तो देखो ये आपको दिखाया है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल बॉडी है, यहाँ पे डेंड्राइट दिखाया है, एक्सन दिखाया है, ये नर्व एंडिंग आपको दिखाया है। तो सिंपल, पहले आप उंगली से टच करोगे, तो उंगली से टच करोगे तो वो पहले कहाँ पे जाएगा, नर्व सेल में जाएगा, नर्व सेल में बाद में डेंड्राइट, वो डेंड्राइट हमारे माइंड में सिग्नल भेजेगा कि अब यहाँ से हाथ उठा लो, और ये माइंड है वो हमारे हाथ को सिग्नल भेजेगा और हमारा हाथ यहाँ से हम उठा लेते। ओके,